ये देख रहे हो आप धब्बे किस तरह से भरे हुए हैं पूरे, और इन्हें ना पोंछ लो जैसे हम एक बार हाथ बाहर निकल। हेलो गाइस, स्वागत है आपका सोनल सिंह की एक और नई वीडियो में। तो वो सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप लोगों को। और आज का जो हमारा प्रॉब्लम है ना, सीधा टू द पॉइंट आता है कि आपके विंडस्क्रीन पे भी इस तरह के कुछ धब्बे ज़रूर होंगे भाई। ये देखिए भाई, विंडस्क्रीन पे आपको धब्बे दिख रहे हैं कुछ पानी के बूंद के। अरे यार, नॉर्मल आँख से तो बहुत ही अच्छा सा दिख रहा है, फोकस करने दो भाई हमें। आप एक बार वहाँ देखो पहले, इस जगह जिस तरह से है ना, हो गया। अब देखो आया, ये देख रहे हो आप धब्बे किस तरह से भरे हुए हैं पूरे, और इन्हें ना पोंछ लो जैसे हम एक बार हाथ बाहर निकाल करके दिखाते हैं। एक सेकंड, इसे पोंछ रहे हैं हम, ठीक है, तब भी साफ नहीं होगा, देखना। ये देखो, कहीं से भी कुछ भी कर लो हटता ही नहीं है यार। और ये अंदर से भी नहीं है, बाहर से है ये सारा धब्बा। अब इस पे हम वॉशर मार के दिखा रहे हैं, वॉशर से भी नहीं हटता है, ठीक है, वॉशर मार रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ नहीं, तो इसे अभी साफ़ करने का हम तरीका बताते हैं, एक जो तरीका है, ठीक है, सीधा वीडियो पर। तो वही चीज़, ये सब सब कुछ इधर भी पड़ा हुआ है, ये सब में भी आप देख सकते हो। ये मेन होता क्या है ना, अगर वाटर में थोड़ा ज़्यादा मिनरल विनरल होता है तो उसी तरह से डिपॉजिट जमा हो जाता है। तो आपको इसके लिए चाहिए भाई कुछ न्यूज़पेपर चाहिए, ठीक है, ये न्यूज़पेपर रख लो। और इसके बाद बताते हैं क्या करना है। एक आपको यही वाला स्प्रे बॉटल चाहिए, इसमें हमने नॉर्मल पानी भर रखा है, स्प्रे वाला ये बॉटल है। तो इससे पूरे विंडस्क्रीन पे हमें स्प्रे करना है, ठीक है, पानी। वाइपर्स को आप ऐसे उठा लो, ऊपर हटा लेना है। अब हम फुल विंडस्क्रीन पे ये स्प्रे करेंगे, ठीक है, इस पानी को पूरा एक लेयर बना देना है विंडस्क्रीन पे। ओके, ये पूरे विंडस्क्रीन में स्प्रे हो चुका है बहुत ही अच्छे से इवेंटली। अब क्या करेंगे, न्यूज़पेपर हमने लिया और इसे पूरे विंडस्क्रीन के ऊपर प्लेस कर देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। बाकी जो एरिया है उसे भी हमें कवर कर लेना है, तो ये हम कवर कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये अभी लग चुका है फुल विंडस्क्रीन पे। अब अगला हमें क्या करना है आगे, ये जो स्प्रे बॉटल है इसे पूरे ऊपर भी एक बार अच्छे से स्प्रे कर देना है, पेपर को गीला कर देना है, ठीक है। तो ये भी कर लेते हैं हम, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये स्प्रे हो चुका है। अब इसके बाद ना हमें 5 मिनट लगभग वेट करना है कि आराम से भीगे रहे, उस तरह से छोड़ देना है इसे, ठीक है। तो अभी हमने ये पूरा विंडस्क्रीन को इस न्यूज़पेपर से कवर करके छोड़ दिया है, गीला ही है ये अभी भी, आप देख सकते हैं पानी वानी लगा हुआ है। कुछ देर वेट करेंगे हम लोग 5 मिनट के जैसे, ये पूरा अच्छे से मॉइस्ट हो जाए, उसके बाद आगे का स्टेप हम आपको बताते हैं, तब तक वेट करते हैं। तो अभी हमारा लगभग 5 मिनट हो चुका है, अब आगे क्या करना है वो देखिए। अब ना ये सारा न्यूज़पेपर कैसे इकट्ठा कर लेना है और इसे पोंछते हुए निकाल लेना है। एक दो और आप ऐसा न्यूज़पेपर ले लो भाई, उसके बाद अब इससे इसे पोंछना स्टार्ट करें। अब ना इसे सुखाना है पूरा पोंछ के, तो करते हैं हम अभी। तो ये करने के बाद हम पूरा विंडस्क्रीन ड्राई कर लेते हैं, उसके बाद आप सबको दिखाते हैं हम रिजल्ट्स, ठीक है। भाई अब देख सकते हैं आप, वो धब्बे बिल्कुल गायब हो चुके हैं स्क्रीन से। अभी हम अंदर से भी दिखाते हैं आपको फुल फोकस करके। एक्चुअली अभी भी थोड़े हैं, तो ये एक बार और हमें करना पड़ेगा, ठीक है, एक बार और करते हैं। जैसे दिखाते हैं अभी हम यहाँ फोकस लॉक, ये देखो अभी भी है। तो हम दिखाते हैं, रिजल्ट्स आएगा उसके बाद ही हम बंद करेंगे वीडियो। एक बार और करना होगा इसे, करते हैं हम फिर से। तो ये दूसरा बार भी हमने लगा लिया है, बस अब इसे हटाते हैं, उसके बाद रिजल्ट्स देखते हैं।
क्या होता है। ठीक है, ये सेकंड टाइम वाला है भाई, वो पहले वाला हटा दिया था, ये दूसरा लगाया, उसके बाद फिर से ये 5 मिनट हो गया, फिर लगा हटा रहे हैं ऐसे। तो हमने हमारी विंडशील्ड को टोटल अभी 3 बार क्लीन किया उसी प्रोसेस से, पेपर लगा करके 2 बार, मतलब पेपर लगा के और एक बार से पेपर से ही ऐसे अच्छे से पूरा रब किया ऐसे गीला करके पानी के साथ। तो अभी आप रिजल्ट्स देख सकते हो किस तरह का आया है, जिससे हम दिखाते हैं आपको। फोकस इधर लॉक कर लेते हैं, ये फोकस लॉक हो गया। अब ये देखिए, अब नीचे से लेके ऊपर तक कोई वैसा स्टेन्स नहीं है। एक देखिए यहाँ पर हल्का सा रह गया है, इस जगह आप देख सकते हो, यहाँ पर से ये हल्का सा यहाँ स्टेन रह गया है, बाकी भाई ये पूरा क्लियर क्लियर हो चुका है। मीन इतना गौर से कौन ही देखने जा रहा है, पर ना वो पहले ड्राइविंग के टाइम थोड़ा डिस्टर्ब करता था। अभी आप यहाँ डैशबोर्ड व्यू फुल देखो, और पीछे कहाँ से होगा, बस यहीं से देखो तो फुल आपको विंडस्क्रीन एकदम क्लियर दिख रहा है, देख सकते हो। तो अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पर वो जो धब्बे धब्बे आ रहे, जैसे अभी साइड पे है ये धब्बा, देखिए साइड का क्लियर नहीं हुआ है। सेकेंड ये देखा साइड पे, तो इसी तरह का इधर साइड से बिल्कुल गायब हो चुका है, ये देखो ये मेन स्क्रीन में कहीं भी नहीं है वैसा धब्बा। तो वही आप प्रोसेस आप एक बार रिपीट करो। ये मेन होता क्यों है ना, पानी अगर खारा हल्का, मतलब खारा नहीं, ये मेन बोरिंग वाला पानी है हमारा, ये जो बोरवेल से आता है, मोटर चला के हम इसी से वॉश करते हैं कार को, तो ये पूरे एक्चुअली गाड़ी में ये धब्बा है भाई, ये सिर्फ विंडस्क्रीन पे नहीं है। आपको जैसे ग्लॉसी पार्ट्स पे दिखा है, जैसे ये सब हुआ, वैसे इसे भी पोंछ दिया था। यहाँ जैसे ग्लॉस वाला पार्ट होता है ना, ये देखो यहाँ किस तरह से धब्बा है पानी का, ये यहाँ भी है और यहाँ क्रोम सब में भी है, आप क्रोम में देख सकते हो। ये देखा इस तरह से हेडलाइट वेडलाइट हर चीज़ पे, हेडलाइट भी वैसे हम साफ किए थे। तो इस तरह से आपको ना एक बार पेपर से पूरा क्लीन करना पड़ेगा भिगा करके, तभी वो पूरा अच्छे से साफ हो पाएगा। तो यही आपको बताना था भाई आज की वीडियो के थ्रू। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।